हाय गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज हम गाइस अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल दिवस के बारे में पढ़ेंगे गाइस कि कौन सा दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें है फर्स्ट पे 1 अगस्त। तो गाइस 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है गाइस, और ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलता है गाइस। और 2020 में इसकी थीम रखी गई है स्पोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। गाइस 1 अगस्त को ही तिलक स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। आगे है 2 अगस्त। तो गाइस 2 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और 3 अगस्त को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है 6 अगस्त। तो गाइस 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और साथ में रविंद्रनाथ टैगोर स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। तो आपने इन सभी को गाइस याद रखना है, ये सभी के सभी दिवस इम्पॉर्टेंट हैं। आगे है 8 अगस्त। गाइस 8 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है, और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। इसमें गाइस हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपने इसको भूलना नहीं है। और गाइस 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन दिवस भी मनाया जाता है, और अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 अगस्त को ही। आगे है 10 अगस्त। तो गाइस 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी कि अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन 10 अगस्त को डेंगू निरोधक दिवस भी मनाया जाता है। और गाइस अगस्त के पहले रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अब है 12 अगस्त। तो गाइस 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, राष्ट्रीय युवा दिवस अलग है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अलग डेट को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है 13 अगस्त। तो गाइस 13 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, 13 अगस्त को मनाया जाता है। आगे है गाइस 15 अगस्त। गाइस आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 अगस्त को गाइस विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, और साथ में ही विश्व मानवीय दिवस भी मनाया जाता है। गाइस ये तीनों डे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे है 20 अगस्त। तो गाइस 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, और सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसमें सद्भावना दिवस बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, और राजीव गांधी जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इसमें मैंने जन्मदिन लिख दिया है, जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे है 26 अगस्त। तो गाइस 26 अगस्त को मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, 26 अगस्त 1910 में हुआ था, उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, और महिला समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वुमन इक्वल राइट डे के रूप में मनाया जाता है। गाइस अब बात है 26 अगस्त की, तो इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि 26 अगस्त को न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। और गाइस अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था,
और गाइस भारत में आज़ादी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो प्राप्त था, पर पंचायत और नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार उन्हें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से प्राप्त हुआ था। आपने इस बात को याद रखना है गाइस। आगे है 29 अगस्त। तो गाइस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है गाइस। 29 अगस्त के ही दिन ध्यानचंद जी का मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे गाइस, इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर साल, और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें गाइस। थैंक यू गाइस।